दोस्तों, मैं संजीव कुमार शर्मा क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, जो कि ये लगभग एग्जाम में 40 नंबर के पूछता है। कितना का जी? 40 नंबर के पूछता है। ये लेसन देखो, 12th क्लास मैथ लेसन 7 समाकलन इंग्लिश में होता है इंटरवल्स। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे और अच्छी तरह से एकदम अच्छी तरह से समझा के हम आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको रिविजन की जरूरत ना। चलो दोस्तों, मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अपना समय बर्बाद न करते हुए चैप्टर पर चलते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन हम लोग आएगा कि समाकलन किसे कहते हैं। समाकलन किसे कहते हैं? चलिए दोस्तों, लिख दे रहे हैं। समाकलन किसे कहते हैं एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लिख देंगे। अवकलन के प्रति अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। देखिए दोस्तों, लिख दिए हैं अवकलज के प्रति अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम समाकलन कहते हैं। इसे बड़ा एस से सूचित करते हैं, ये लेकिन है क्या ये चीज? बड़ा एस ये समाकलन होता है। क्या होता है जी? समाकलन होता है। मतलब पाने का ये अर्थ है कि अवकलज आप लोग पढ़े होंगे लेसन 5 में, उसी का उल्टा करना है और उसी का नाम समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। चलिए, इसके बारे में फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है, जो कि फॉर्मूला एग्जाम में बहुत से बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक, तो आज फॉर्मूला के ही बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मूला चलिए हम लिख दे रहे हैं। समाकलन एक्स के पावर एन डी एक्स बराबर होता है एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला समाकलन ई के पावर एक्स डी एक्स बराबर होता है ई के पावर एक्स प्लस सी। समाकलन डी एक्स बराबर होता है एक्स प्लस सी। यह कैसे हुआ जी? समाकलन और ये डिफरेंशियल एक दूसरे ने क्या कर दिया? काट दिया। यहाँ पर समझो ऐसे है तो मतलब समाकलन डिफरेंशियल कर देता, क्या बचता है? एक्स। इसी तरह यहाँ पर एक्स प्लस सी हो गया। पाँच, समाकलन एक के पावर एक्स सॉरी एक के पावर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है ये अचर पद है तो बाहर निकल जाएगा एक्स प्लस सी, जहाँ ए अचर है। क्या है जी? अचर है। चलिए, डी एक्स बराबर होता है लॉग मोड में एक्स प्लस सी, समाकलन साइन एक्स के डी एक्स होता है माइनस में कोस एक्स प्लस सी, समाकलन cos x के dx होता है sin x प्लस सी, समाकलन tan x के dx होता है log मोड में x प्लस सी, समाकलन फॉर्मूला 20 तो लिख दिए हैं। इसको हम कंसेप्ट आप लोग को एकदम याद रखना है, क्योंकि ये कंसेप्ट याद नहीं रहेगा तो समाकलन में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक, चलिए एक बार दिखा दे रहे हैं। एक्स के पावर एन डी एक्स बराबर होता है एक्स एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन प्लस सी। आखिर सी क्या लिख रहे हैं जी? सी 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 जो लिख रहे हैं सी सी है क्या? हर चीज में सी सी लिख रहे हैं। सी का मतलब होता है अचर, मतलब सी है लिख रहे हैं यहाँ पर ये चीज, जहाँ इसका हिंदी होता है मतलब सी बराबर अचर का जी, अचर। ठीक, चलिए देखिए, समाकलन ई के पावर एक्स डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स प्लस सी, ये कब नहीं बदलता है? ई के पावर एक्स कब नहीं बदलता है? ये एकदम ये थीटा टाइप का होता है, क्योंकि ई के पावर एक्स डी एक्स है जो ई के पावर एक्स से रहता है। चलिए, वन का डी एक्स बराबर होता है एक्स प्लस सी। देखिए, समाकलन
डी एक्स बराबर होता है एक्स प्लस सी और समाकलन ए डी एक्स बराबर होता है ए के पावर एक्स प्लस सी, समाकलन वन बटा में एक्स के डी एक्स बराबर होता है लॉग मोड में एक्स प्लस सी, साइन एक्स का डी एक्स बराबर होता है माइनस में कोस एक्स प्लस सी, समाकलन कोस डी एक्स बराबर होता है साइन एक्स प्लस सी, समाकलन टेन टेन डी एक्स बराबर होता है लॉग मोड में एक्स प्लस सी। देखिए लगभग सॉरी यहाँ पर एक्स नहीं होगा जी, सेक एक्स प्लस सी होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लिख लीजिएगा सेक एक्स प्लस सी होता है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है टेन एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस में कोट एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स बराबर होता है सेक एक्स प्लस सी, कोसेक्स इंटू कोट एक्स बराबर होता है माइनस में कोस एक्स प्लस सी, समाकलन ए के पावर एक्स का डी एक्स होता है ए के पावर एक्स बटा में लो जो ए है अचर पद है नीचे गिरता है जिसको नीचे गिर गया ए प्लस सी, समाकलन वन बटा में रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, माइनस वन बटा में रूट अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है माइनस में कोस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, माइनस में वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है कोट इनवर्स एक्स प्लस सी, उन्नीसवा वन बटा में मोड एक्स रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स बराबर होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, बीस माइनस वन बटा में रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स का होता है माइनस में कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। अभी भी बोल रहे हैं जो सी सी हम लिख रहे हैं यहाँ पर सी 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 जितना भी इधर सी लिखे हैं ये सब सी सी लिख रहा है, ये सब का है जी अचर पद है, इसको याद रखना तब क्वेश्चन जरूरी है। चलिए ये अगर आप उतार लीजिए उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ तक उतार गया होगा, चलिए आगे थोड़ा चल रहे हैं, अब क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जाम्पल समझना जरूरी है एग्जाम्पल। मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया साइन 2x का समाकलन ज्ञात करना है, क्या करना है जी समाकलन, तो सबसे पहले इसको देखिए कैसे बनाते हैं, लेट बी i बराबर समाकलन साइन 2x के क्या करेंगे dx करेंगे, क्या क्या बनाया जी एक समाकलन, देखिए माने हैं कि i बराबर क्या समाकलन साइन 2x के क्या कहेंगे dx, सबसे पहले देखो टू भूल जाओ टू यहाँ पर भूल जाओ बल्कि टू यहाँ पर बोलना है कि साइन एक्स बराबर देखो फॉर्मूला कौन लिखवाया है साइन एक्स बराबर का होता है माइनस में कोस एक्स प्लस सी होता है, तो देखो माइनस कोस यहाँ पर थीटा का था जी एक्स का तो यहाँ पर एक्स लिखा यहाँ पर थीटा कितना है टू एक्स है तो टू एक्स उतार दिए। ये देखिए जो भी अचर पद होता है नीचे गिरता है, जैसे कि दो यहाँ पर है ना लग रहा है ना ये दो को कहाँ रखना है नीचे रखना है कभी भी कहाँ पर नीचे रखना है, देखिए प्लस सी का है प्लस सी, ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया कोई दिक्कत। चलिए नहीं समझ में आएगा तो और तरीका ले रहे हैं इसको समझाने के तौर पर, जिसे समझते हैं कि साइन टू एक्स का डिफरेंशियल लेसन फाइव किसे कहते हैं डी साइन टू एक्स बटा में टू थीटा जितना भी नीचे रहता है सबका करते हैं गिरा देते हैं क्लियर। चलिए दो अचर पद है इसको बाहर निकालते हैं, देखो डी एक्स बटा में डी एक्स, तो देखिए कैसे यहाँ पर दो बाहर निकालते हैं यहीं पर नीचे गिरा दिए दो ठीक। चलिए क्वेश्चन एक और लेते हैं एग्जाम्पल नंबर दो को, मान लेते क्वेश्चन आ गया कोस फाइव एक्स, इसको क्या करना है समाकलन ज्ञात करना है, क्या करना है जी समाकलन ज्ञात करना है, कैसे सबसे पहले तुम क्या करेंगे सोल्यूशन, लेट बी माना कि i बराबर समाकलन कोस फाइव एक्स के क्या करेंगे डी एक्स जोड़ेंगे, देखिए तो कोस फाइव भूलिए कोस एक्स बराबर का फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस सी, चलिए साइन यहाँ पर थीटा एक साथ थीटा तो रख दिया लेकिन मैं हम लोग का थीटा क्या है फाइव एक्स है तो फाइव एक्स, ये देखिए ये चार पक है कहाँ गिरेंगे नीचे प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया कोई दिक्कत। चलिए इतना नोट कीजिए उसके बाद इधर मिटकाएंगे तो आपको बता। चलिए दोस्तों हम लोग
7.1 पढ़ेंगे, प्रश्न वाली 7.1 चलिए लिख दे रहे हैं। प्रश्न वाली 7.1 में क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित फलनों के प्रतिओकलज मतलब समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 2x कितना कर रहा है, साइन 2x समाकलन ज्ञात करना है। चलिए तो देखिए साइन 2x को हम एग्जांपल में भी सॉल्व किए थे, मतलब जो भी अंक यहाँ पर बदल दे उससे कोई लेन देन नहीं, बस बनेगा उसी सॉल्यूशन। क्या करेंगे सबसे पहले माने, तो सबसे दोस्तों क्या माने, माना कि क्या माने हैं जी, आई बराबर साइन 2x कि क्या करेंगे डिफरेंशिएट मतलब समाकलन करेंगे। तो हम फॉर्मूला जान रहे हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए साइन एक्स के सम फॉर्मूला क्या होता है जी, माइनस कोस एक्स प्लस सी होता है, बस इसी फॉर्मूला को यहाँ पर जोड़ देना है माइनस कोस। देखिए यहाँ पर थीटा एक्स होता है, एक्स तो अपना लिखा है लेकिन मेरा क्या था 2x। ये देखिए जो अचर पद है नीचे कहाँ करते हैं, नीचे जाते हैं, क्या करते हैं जी नीचे जाते हैं, प्लस सी को जोड़ना है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा कह रहा है क्वेश्चन कोस 3x को क्या करना है जी, बस वही निकलना है समाकलन निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, लेट बी माना कि i बराबर कोस 3x के dx, चलिए समाकलन कोस x के dx बराबर फॉर्मूला में आते हैं क्या होता है साइन x प्लस सी। देखिए तो कोस है तो क्या लिखेंगे साइन थीटा, जो x था तो अपना लिख दिया x, मेरा थीटा कितना है 3x है तो 3x, देखिए तीन का है चल पद नीचे गिरा देना 3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है इक्के पावर 2x, आपको समझ में एकदम 100% आता होगा, एकदम 100% आता होगा। चलिए आगे चल रहे हैं, लेट बी इसको भी क्या करना है समाकलन ही निकालना है, इसका भी चलिए फॉर्मूला लिख के चलना है, इक्के पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है इक्के पावर एक्स प्लस सी, क्लियर। चलिए लेट बी सबसे पहले माना है कि आई बराबर क्या माने हैं जी इक्के पावर 2x के क्या करेंगे dx। अब देखिए तो इक्के पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है इक्के पावर एक्स प्लस सी, मतलब ये e इसके पावर कितना भी रहे उनको कोई मतलब नहीं है। ये देखिए इक्के जस का तो से लिखाएगा इसका पावर, देखिए बाका ये जो दो है अचर पद है उसके नीचे गया क्या प्लस क्या करेंगे सी, यहाँ कितना भी पावर उससे कोई लेन देन नहीं है। फिर इतना नोट कीजिए उसके बाद आगे चलते कर लें दूंगी। चलिए दोस्त तीन तक बना लिया हम लोग सोल्यूशन कर लिए, चौथा क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है वो एक्स प्लस बी के पावर कितना दे रहा है 2 दे रहा है, ठीक एकदम आसान तरीका से बनाओ, इसमें कुछ एकदम सोचने वाला बातें नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखो थोड़ा बहुत और यह खत्म चैप्टर। चलिए देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे लेट बी आई बराबर एक्स प्लस बी के पावर इसमें दिया है 2, इसका मतलब है एक्स के पावर एन का फॉर्मूला बिठाओ, एक्स के पावर एन डी एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है एक्स एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन प्लस सी, इसका मतलब पावर में क्या कर देते हैं खाली एक को जोड़ना है। चलिए डी एक्स कर दे रहे हैं यहाँ पर एक के पावर एक्स प्लस बी, देखिए कह रहा है कि एन एन का मतलब होता है जो पावर है उसको 2, कह रहा है फिर अपना मन से जोड़ना है एक बटा कह रहा है एन प्लस वन पावर को पावर में एक को जोड़ना है आप प्लस क्या करना है सी लिख देना है। चलिए ए एक्स प्लस बी देखिए 2 1 3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया।
कोई दिक्कत है? चलिए नहीं ना, चलिए इसको अच्छा से नोट कीजिए और अगले वीडियो में हम लोग 5-6-7 का मतलब जितना भी होगा क्वेश्चन उसको अगले वीडियो में हम सॉल्व